जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहें मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ सीधे सीधे रिश्वत मांगने का आजादी ने बड़ा आरोप लगा दिया है केजरीवाल। देखिए ये तो अब आप ईडी से पूछना कि 1922 अगस्त में ईसीआई होती है, पहली अरेस्ट होती है, उसमें चार कंप्लेंट फाइल होती है, सप्लीमेंट्री एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है, पांच होती है, उसमें कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि भाई केजरीवाल पर कोई इल्जाम है। अचानक अब जब चुनाव, मैं तो हालांकि लॉयर हूं इस बात में नहीं मैं पढ़ता, पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी, तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी आज जब समय आएगा, जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि जो जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो आज यही बात है।